गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टडी द टुडेज टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब वो लोग जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो जो ये रिकॉर्ड है ये हर एक दिन रखते हैं, एंड दे स्टडी दिस वेदर रिकॉर्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 30 ईयर्स। और स्टूडेंट्स, ये जो वो स्टडी करते हैं वेदर का रिकॉर्ड, ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए जो है रिकॉर्ड करते हैं। यू कैन से 25 to 30 ईयर्स तक जो है वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो स्टडी है वेदर का बहुत लंबे टाइम के लिए, स्टूडेंट्स, ये मेटीरियोलॉजिस्ट को किस लिए हेल्प करता है, उनको वेदर का पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड करने में, कि किसी भी प्लेस का के वेदर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट्स, पूरे ईयर में हमें पता है कि अप्रैल से लेके फिर आपका ये अक्टूबर तक जो है वो वेदर जो है क्लाइमेट है वो हॉट रहेगा, ठीक है, देन दिसंबर में, नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो ये सब स्टूडेंट्स जो है वेदर को रिकॉर्ड करके ही जो है वो पता लगाया जाता है। सो आप क्लाइमेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का उसको आप डिफाइन करते हो जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती है किसी भी प्लेस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए किसी भी प्लेस पे क्या वेदर कंडीशंस रहती है, से 25 to 30 ईयर्स और मोर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको ना 4 टेबल दिए गए हैं, श्रीनगर, चेन्नई, दिल्ली का और चिरनपुंजी का। ये 4 टेबल है जिसमें आपको जो है हर एक मंथ 12 के 12 मंथ्स पे जो भी वहाँ का मिनिमम या मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो शो किया हुआ है, और वहाँ से क्या आपको डिसकंफर्ट होगा, क्या असुविधा होगी उस गर्मी या नमी की वजह से, वो बताई गई हैं। सो स्टूडेंट, यू कैन रीड दिस। Now come to this point. The average temperature mentioned in the tables above is calculated in the 2 steps. Student, जो यहाँ पर आपका average temperature जो है mention किया हुआ है वो 2 steps में किया हुआ है। Firstly, we calculate the average of the temperature recorded during the month. सबसे पहले क्या है, जो average temperature हर एक month में रहेगा उसको record किया गया है, और दूसरे step में student, जो average of the such average temperatures is calculated over many years. फिर इन एवरेज टेम्परेचर का भी काफ़ी सालों तक क्या एवरेज रहता है स्टूडेंट्स, उनको भी कैलकुलेट किया जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि जो डेजर्ट होते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया है, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता होगा? इज़ इट कोल्ड, हॉट, ड्राई और बोथ हॉट एंड ड्राई? वहाँ पे ठंडा, गर्म, ड्राई या फिर हॉट एंड ड्राई, दोनों तरह का क्लाइमेट रहता होगा। तो स्टूडेंट, वहाँ पे जो है हॉट एंड ड्राई जो है दोनों तरह का टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेन का सीन दिखाया गया है। नाउ वी आर नाउ इन अ पोजिशन ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, अब आप जो है वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वेदर जो है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस का क्या कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की, उसे तो वेदर बोलते हैं। और जब ये वेदर कंडीशंस हम बहुत लंबे टाइम के लिए किसी प्लेस की जो है रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। नाउ वेदर इज़ अ करंट कंडीशन और द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे यही बताया गया है कि वेदर क्या है, दैट इज़ अ करंट कंडीशन ऑफ दी और द स्टेट कह सकते हो एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर प्लेस की, इन टर्म्स ऑफ 4 conditions पे, ह्यूमिडिटी, नमी, क्लाउडीनेस, टेम्परेचर एंड विंड। जबकि जो क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म, यूजुअली 25 to 30 ईयर्स के लिए क्या एवरेज वेदर कंडीशंस होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, दैट इज़ द क्लाइमेट। नाउ समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या है, मैनी कंट्रीज सीम टू बी एक्सपीरियंसिंग वार्मर कंडीशंस दैन नॉर्मल। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पहले से ज़्यादा जो है अब नॉर्मल से वार्मर कंडीशंस जो है वहाँ पर हो गई है। ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, दिस इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मिथेन जो है, ये क्या करती है, जो भी अर्थ से हीट रेडिएट होती है, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेती है और उसको जो है अर्थ सरफेस से एस्केप नहीं होने जा देती, बाहर नहीं निकलने देती। तो जो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर,
जितनी ज़्यादा अर्थ की एटमॉस्फेयर पे स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, उतनी ही कम जो हीट है वो क्या होगी, हमारे अर्थ सरफेस से बाहर जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से क्या होगा, हमारी अर्थ उतनी ही ज़्यादा वार्म रहेगी. दिस इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और यही जो इंक्रीज़ है हमारे अर्थ के टेम्परेचर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे क्या बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग. ओके नाउ स्टूडेंट, टिल हेयर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू द बुक रीडिंग. ओके.